ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर आई है शाजापुर के मक्सी से, जहां पर स्थिति तनावपूर्ण जरूर है लेकिन कंट्रोल में कही जा रही है। मामला कहां से शुरू हुआ था, पूरा वाकया क्या हुआ, ये सारी बातें बताएंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति की अगर बात कर ली जाए तो स्थिति यहां पर शांतिपूर्ण है। पुलिस ने हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है, पुलिस बल की तैनाती है। हालांकि यहां पर बाजार फिलहाल बंद है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस एक शख्स की जान गई थी उसका अंतिम संस्कार यानी कि उसका जनाजा निकला और उसके बाद उसे सुपुर्दे खाक भी कर दिया गया। हालांकि इससे पहले लोग इस बात पर अड़े थे, इस बात की मांग कर रहे थे कि दूसरे पक्ष जिस पर आरोप लगा है उस पर कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस की तरफ से समझाइश दी गई और अब मामला कंट्रोल में कर लिया गया है। वहीं एक व्यक्ति जिसकी मौत हुई थी, एक मृतक, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मृतक की उम्र 40 साल बताई जा रही है, नाम अमजद, पिता अजीत खान बताया जा रहा है। ये मामला कब से शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ, ये पूरा घटनाक्रम हम आपको बताते हैं। दरअसल बुधवार को दो पक्ष, रात के करीब 8 बजे का वक्त होगा, दो पक्ष आमने सामने आ गए और एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष पर पत्थर बरसाए गए और यहां पर गोलियां भी चली हैं। गोलियां चली और इसमें 9 लोग घायल हो गए जबकि एक शख्स की मौत हो गई। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की, जबकि जो लोग घायल हुए थे उनको अस्पताल ले जाया गया, जिसमें एक शख्स ने दम तोड़ दिया। इस बात की पुष्टि देर रात पुलिस की तरफ से की गई थी, जबकि 9 लोग जो घायल हैं उनमें से जिनकी हालत गंभीर थी उन सभी को इंदौर के लिए रेफर किया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की तरफ से इस मामले में कड़ा एक्शन लिया गया और पुलिस कमिश्नर जो हैं वो भी मौके पर पहुंच गए थे। इसके अलावा अन्य अधिकारी आईजी भी मौके पर पहुंच गए थे, उज्जैन से आईजी पहुंचे थे, कमिश्नर पहुंचे थे। घटनाक्रम के पूरे स्थिति को समझने के लिए प्राथमिक आकलन कर लिया गया है, पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय किया जा रहा है। जो भी अगर कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने की कोशिश करेगा या उसमें किसी तरह के बाधा उत्पन्न करेगा तो उसके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला अब आपको हम समझाते हैं। ये मामला जो है एक ही पक्ष के 2 लोगों के विवाद का है, एक ही गुट के बताए जाते हैं, मुस्लिम हैं दोनों पक्ष और दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी और इसी को लेकर विवाद हुआ। लेकिन ये विवाद कब से शुरू हुआ, विवाद शुरू हुआ सोमवार से। सोमवार को भी एक बार मामला सामने आया था और पूरा मामला क्या था ये हम आपको बताते हैं, सोमवार को क्या हुआ और उसके बाद क्या कुछ हुआ। सोमवार को दरअसल देर रात शहर के बाल्डी मोहल्ले में समीर मेव के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की थी। इसकी खबर पर नगर परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे थे, वहां पर तनाव का माहौल भी बन गया था इस दौरान। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बुधवार के दिन दो पक्ष आमने सामने आते हैं, मारपीट होती है और सोमवार को जो घटनाक्रम हुआ था और उसमें पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की गई थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने यह आरोप लगाया कि पुलिस की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की गई है और इसको लेकर एक ज्ञापन पुलिस को दिया गया था। लेकिन बुधवार को क्या हुआ, बुधवार को फिर दोनों पक्ष आमने सामने आए और यहां पर मारपीट की घटना हुई, पत्थर बरसाए गए, गोली चल गई, कई राउंड गोलियां चली हैं, कितने राउंड हैं लेकिन ये अभी पुलिस की तरफ से साफ नहीं किया गया है। हालांकि शाजापुर जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि कलेक्टर SP से उनकी बात हुई है और हर कीमत पर सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखा जाएगा, उनकी तरफ से ये बात कही गई। आपको बता दें कि ये शहर के बाल्डी मोहल्ले में जो विवाद हुआ था इसमें एक पक्ष के साथ हिंदू पक्ष के लोग भी कुछ साथ में आ गए थे और तब ये विवाद कुछ ज्यादा बढ़ा। हालांकि मुस्लिम पक्ष, दोनों पक्ष जिनके बीच मुख्य विवाद या पुरानी रंजिश है, दोनों पक्ष मुस्लिम पक्ष बताए जा रहे हैं। ये भी खबर मिल रही है कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन अब इसकी जांच पुलिस कर रही है इस जानकारी की या इस आरोप की कि इनका क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है, मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले में
उज्जैन रेंज के कमिश्नर और आईजी से बात की थी। वो खुद बाद में मुख्यमंत्री से जब बात हुई उसके बाद शाजापुर के मक्सी पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। आसपास के जिले से भी पुलिस बल को यहां पर तैनात करना पड़ा। यहां पर धारा बीएनएस की धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 यहां पर लागू कर दी गई है ताकि स्थिति शांतिपूर्ण और जल्द से जल्द कंट्रोल में की जा सके। फिलहाल यहां पर कोई उपद्रव जैसी स्थिति नहीं है और पुलिस ने पूरी चीजों को अपने कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ उमंग सिंघार जो हैं नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने इसे एक नया एंगल देने की कोशिश भी की और उन्होंने ट्विटर पर यानी कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी कुछ प्रतिक्रिया लिखी है, जिसमें उन्होंने इसे बीजेपी के सदस्यता अभियान से जोड़ते हुए कहीं ना कहीं लिख डाला है। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रभारी मंत्री ने कहा कि कलेक्टर और एसपी नारायण सिंह कुशवाहा कह रहे कि कलेक्टर एसपी से बात हुई है और हर कीमत पर हम सांप्रदायिक सौहार्द यहां पर बनाए रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। 3 दिन पहले इन वर्गों में सदस्यता को लेकर झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, मृत्यु हो गई। ऐसी सदस्यता से क्या होगा जिसके कारण खून खराबा हो। सदस्यता अच्छे कामों के लिए होती है, ना कि किसी की मृत्यु का वो कारक बने। रोज कहीं ना कहीं क्राइम हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। देखिए, हमें पता है कि सदस्यता अभियान और उससे संबंधित समर्थन जो जनता में मिल रहा है उसको लेकर बहुत लोग हमसे चिढ़ेंगे भी, और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश की जो शांतिपूर्ण छवि है उसको बिगाड़कर ही वो आगे बढ़ सकते हैं, विकास के रास्ते पर वो हमसे टक्कर नहीं ले सकते। तो हमें मालूम है कि इसमें उन लोगों की कुछ ना कुछ राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, जल्दी इसका पर्दाफाश होगा। दरअसल पुलिस ने इसके पहले जब कार्रवाई की थी तो एक पक्ष के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, उसे गिरफ्तार किया गया। दोनों पक्ष के लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर, दूसरे पक्ष की तरफ से कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए, ज्ञापन दिया गया और ये सब कुछ हुआ। विवाद बाद में इतना बढ़ा था बुधवार वाले दिन की तनाव की स्थिति बन गई, पथराव के हालात बने, 9 लोग घायल हो गए। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें ये भी बातें कही जा रही हैं, हालांकि ये अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि एक पक्ष के साथ राजनीतिक दल के लोग भी खड़े हुए थे और इसके बाद ये पूरी घटना सामने आई है। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अमजद, जिसकी उम्र 40 साल, जिनकी मौत हो गई, उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई आगे हो रही है। देखना होगा कि कितनी जल्दी इस मामले के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। लेकिन वहां पर फिलहाल बाजार बंद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति अगर बनती है तो उससे निपटा जा सके। इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और दिल्ली से, मुख्यमंत्री दिल्ली में थे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, तो उन्होंने दिल्ली से ही अपने अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है और उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी शख्स अगर स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त एक्शन लिया जाए, चाहे वो किसी भी पक्ष का व्यक्ति क्यों ना हो।